पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जहां स्थानीय जिला प्रशासन कमर कसे हुए है, तो वहीं पर स्थानीय विधायक और नगर पालिका के अध्यक्ष भी तैयारियों की बारीकी से जायजा लेते हुए दिख रहे हैं, जिससे आस्था के इस पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। विश्वनाथ पोखरे पर छठ घाट बहुत ही भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। इसमें इस बार बनारस से आए हुए कलाकारों के द्वारा माँ गंगा की आरती भी होनी है। हर साल की बात, इस बार भी विशेष रूप से हर घाटों को, यहाँ पे 103 घाट लगवा है, हर घाटों को विशेष सफाई अभियान कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। इसमें खुद चेयरमैन साहब और मेरे द्वारा हर घाट की निगरानी स्वयं की जा रही है। कितनी भीड़ होती है लगभग हर साल? हर घाट के अलग अलग, यहाँ पे भीड़ तो कम से कम 25 से 30 हज़ार से ऊपर होती है यहाँ पे। कुशीनगर जनपद में इस समय तैयारियां जोर शोर से जो है चल रही है, और इस वक्त हम खड़े हैं कुशीनगर जनपद के हाटा नगर पालिका के विश्वनाथ पोखरे पे, जहां की छठ के महापर्व के लिए विशेष रूप से तैयारी किया जा रही है, और तैयारियों का जो है मॉनिटरिंग करने के लिए यहां के नगर पालिका के अध्यक्ष सहित जो है ईओ और स्थानीय क्षेत्रीय विधायक भी जो है मौके पर पहुंचे और एक एक चीज का जो है बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए, यहाँ छठ घाट को जो है विशेष रूप से जो है केसरिया रंग में जो है वो रंगाई पुताई का जो है काम चल रहा है, वहीं जो है विशेष रूप से जो है लाइटिंग की व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो है इस घाट को जो है रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। और अगर आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ बगल में आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं अपने कैमरा मैन से गुजारिश करूंगा कि आपको दिखाएं कि यहाँ पे जो है बगल में जो है माताओं के और बहनों के जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है बैरिकेडिंग किया गया, जिसमें की जाली लगाई गई है ताकि अगर कोई माता बहन जिनका पैर अगर गलती से भी स्लिप कर जाए तो वो जो है तालाब में ना जाके वो जो है वही जाली पे जो है रुक जाए। और ऐसे में देखने वाली बात है कि जो है छठ का जो आने वाला जो पर्व है उसके लिए यहाँ पे जो है कि लोगों को कितनी सहूलियतें मिलती है। नागेंद्र त्रिपाठी, R9 TV, कुशीनगर।